हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वोल्ट एंड एम्पियर मीटर के बारे में। गाइज, आप ये देख पा रहे होंगे पोर्टेबल आपको वोल्ट एंड एम्पियर मीटर मिलता है, जिससे आप अपने साइंस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, घर पे पावर सप्लाई बना सकते हैं, पावर एडाप्टर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। गाइज, जैसे इसमें आपको ऊपर साइड में टॉप साइड में वोल्टेज शो करेगा और नीचे साइड में आपके एम्पियर शो करेंगे, कितने एम्पियर आपकी लोड ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें क्लिप का ऑप्शन भी है, यानी आप इसको किसी भी चीज़ में माउंट करा सकते हैं, फिक्स करा सकते हैं। और इसके अंदर में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ना यहाँ पे प्रीसेट मिलेगा, आप साइज देख पा रहे होंगे। यहाँ से अगर इसमें कुछ भी एरर होगा तो उसको आप सही कर पाएंगे। और ये जो वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर है, ये मार्केट में आपको मिल जाती है 200 से लेके 250 के बीच में, और ऑनलाइन भी अप्रॉक्स इतने के आसपास ही आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको लेना चाहती हैं गाइस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसके साथ आते हैं गाइस दो केबल, आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये दो केबल आते हैं, एक में दो वायर होते हैं, एक में थ्री वायर्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी और प्रॉब्लम यही होती है, आप इसको खरीद के तो ले आते हैं बट इसको कनेक्शन करना आपको समझ में नहीं आता। नॉर्मली टू वायर हो तो आप समझ सकते हैं कि भाई सप्लाई देनी है हमें, बट इसमें आपको एक दो वायर की कनेक्टर मिल जाती है, एक थ्री वायर की कनेक्टर मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो पे हम आपको वही बताने वाले हैं कि इस वोल्ट एम्पियर मीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे और उसको कैसे यूज़ में लेके आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम आपको ये दो केबल के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो केबल गाइज, ये मोटी वाली केबल देख रहे होंगे जो दो वायर की है, ये आपकी एम्पियर के लिए है, और ये जो आप देख रहे होंगे ये आपकी वोल्टेज के लिए है। इसमें रेड और ब्लैक जो है गाइज, ये वोल्टेज सप्लाई के लिए है, नेगेटिव ब्लैक में, पॉजिटिव रेड में। और जो येलो वाली वायर है गाइज, ये सोर्स सप्लाई है, यानी आप जो वोल्टेज चेकआउट करना चेकआउट करेंगे वो इससे आप चेकआउट करेंगे, ठीक है। ये वोल्ट मीटर जो है वो नॉर्मली आप 30 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपके पास 30 वोल्ट तक है। 30 से अगर 100 वोल्ट तक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको अलग से एक सोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब इसमें जो वोल्टेज शो होती है गाइज, वो होती है 99.9, यानी अप्रोक्स 100 वोल्टेज के आसपास शो होती है। एम्पियर जो होती है वो 10 एम्पियर इसमें शो करता है। तो चलिए फटाफट इसको हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी वर्किंग कंडीशन कैसे है। तो सबसे पहले जो ये दो वायर वाली है कनेक्टर, हमें ये यहाँ पे फिट करनी होगी, कुछ इस तरह से फिट हो जाएगी। और जो थ्री वायर वाली है वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करनी होगी, एरो मार्किंग दिया होगा आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों वायर कनेक्ट कर दिया गाइस। अब सबसे पहले हम इसमें सोर्स देंगे, तो जो इनपुट वोल्टेज है वो देंगे। तो यहाँ पे हमें रेड और ब्लैक को कनेक्ट करनी होगी, तो हमने यहाँ पे एक सप्लाई ले लिया है, ये हमने इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर दी है। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एडाप्टर को नॉर्मली ओपन ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा जो है एक मॉड्यूल है, यहाँ पे हमारी सप्लाई आ चुकी है गाइस, और ये भी हमारी ऑन हो चुकी है गाइस, आप चेक करिए, ये अभी ऑन हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज 0.0 शो कर रहा है, एम्पियर हमारी 0.0 शो कर रही है, क्योंकि अभी हमने सोर्स सप्लाई को कनेक्ट नहीं किया है। अब सोर्स सप्लाई कौन सी है हमारी, येल्लो वाली है। मान लीजिए अगर आपको अभी हमने जो सप्लाई ले रहे हैं ये प्लिंकर कर रहा होगा, उसमें आप कोई बात नहीं है, इसको अगर हम वोल्टेज देते हैं, मान लीजिए अभी हमारा एडाप्टर कनेक्ट है लैपटॉप का, 19 पॉइंट समथिंग वोल्टेज है, तो इसको मैं कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे वोल्टेज जो हमारी शो कर रही है गाइज, वो 19.3 वोल्टेज शो कर रही है गाइज, ठीक है। इसको 30 वोल्ट तक आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, 30 वोल्ट के ऊपर होगी तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ मत करिएगा। सो गाइज, अभी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे हमने जो है 12 वोल्ट सेट कर दिया है। यहाँ पे बंक कन्वर्टर हमने लगा रखा है जिससे हम इसको सप्लाई दे रहे हैं गाइज। अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं तो इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, दोनों कॉम्बाइंड आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे गाइज। अब गाइज इसकी एम्पियर हमें चेक करनी होती है, तो हम एम्पियर के लिए बताएंगे आपको करना क्या है। जो ये ब्लैक वाली वायर है इसको हम क्या करेंगे, जो अपनी नेगेटिव है इसमें डायरेक्टली इसको अटैच कर देंगे, यानी कनेक्ट कर देंगे इस तरह से कुछ। ये देखिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। जो ये रेड वाली वायर है गाइज, इसको हमें आउटपुट के साथ कनेक्ट करनी है, यानी लोड के साथ कनेक्ट करनी है। तो उसके लिए मैं एक लोड ले लेता हूँ और उसको चला के यहाँ पे दिखाता हूँ कितने एम्पियर जो वो हमारा ले रहा है। लोड चेक करने के लिए गाइज हमने यहाँ पे लिया है 555 की डीसी मोटर, तो इसको अभी हम कनेक्ट करेंगे। सिंपली जो रेड वाला है, रेड वाला क्या करना है आपको, मोटर के एक सिरे पे कनेक्ट कर देनी है कुछ इस तरह से, और जो ये वोल्टेज सप्लाई है इसको हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। ये देखिए हमारी मोटर जो है वो ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे एम्पियर आप चेक कर पा रहे होंगे
0.36 एम्पियर जो है ये लोड ले रहा है। तो कुछ इस तरह से आप इसकी एम्पियर चेक कर पाएंगे और कुछ इस तरह से आप इसकी वोल्टेज चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पे वोल्टेज में देख रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रहा है, हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ती है। अगर इसकी एम्पियर रेटिंग आप बढ़ाना चाहते हैं, मोटर को और अच्छी आरपीएम में घुमाना चाहते हैं, तो इस बक कन्वर्टर से, जो ये हमारा बक कन्वर्टर है गाइज, इस बक कन्वर्टर से आप इसकी एम्पियर भी सेट कर सकते हैं। सो गाइज कुछ इस तरह से जो है आप इस वोल्ट एम्पियर मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए गाइज आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय।